सांसों में बस खुशबू तेरी। ये तेरे प्यार की है जादूगरी। वैसे तो आम तौर पर बॉलीवुड की मूवीज में दिखाई हुई लव स्टोरीज हमेशा पूरी होती है, भले ही शुरुआत में किसी प्रेमी जोड़े को कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर आखिर में दोनों मिल ही जाते हैं और उनकी लव स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। पर क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में जो लोग ये किरदार निभाते हैं, असल जिंदगी में उनकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी की। ये दोनों ही अपने समय के सुपरस्टार थे और दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में भी की थी। इनकी जोड़ी को भी लोग पर्दे पर देखना पसंद करने लगे थे। फिल्मी पर्दे पर शुरू हुई ये प्यार की कहानी को हर कोई जानता था और सबकी जुबान पर बस अमिताभ बच्चन और रेखा के रोमांस की ही बातें थी। पर इनकी ये लव स्टोरी इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अमिताभ बच्चन की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत आने लगी थी। शायद यही कारण था कि अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी और उनके प्यार का सफर ज्यादा नहीं चल पाया। मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, मिस्टर नटवरलाल और सुहाग जैसी हिट फिल्में देने वाली इस जोड़ी का साथ काम करने का सिलसिला थम गया। परिवार और समाज की परवाह करते हुए दोनों ही अपनी रील और रियल लाइफ में एक दूसरे से अलग हो गए।